गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेसन। ओके, ये लेसन बहुत बेहतरीन लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है और इसमें आपको नॉलेज होगी कि इंडिया के अंदर कितने टाइप की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, उन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठी करेंगे। ठीक है, 10th क्लास में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 5-6 नंबर पे स्टैंड करता है और काफ़ी बढ़िया है। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कि कपड़ा उद्योग, धागा उद्योग जो है सबसे फेमस इंडस्ट्री है ये हमारे इंडिया की। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका 14% होता है, यानी कि पूरी जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन वो 14% है। एम्प्लॉयमेंट 35 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, धागा उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट मिल उद्योग जो इसमें आते हैं। इंडिया की जीडीपी का 4% पार्ट यहीं से तैयार होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% पार्ट। ओके, और फॉरेन अर्निंग होती है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहां से मटेरियल। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल भी और फिनिश प्रोडक्ट भी। ठीक है, तो उससे भी 24.6% हमारा अर्निंग होता है। ओके, उसके बाद देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग जैसे प्रोसेस होते हैं और लास्ट में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हम समझने जा रहे हैं। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। इंडिया में पहली बार डेवलप, सॉरी पूरे वर्ल्ड में डेवलप पहली बार ब्रिटेन में ही हुई थी। ठीक है, 1730 के आसपास ब्रिटेन के लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप किया था। ओके, दूसरी बात, लीडिंग प्रोड्यूसर जो कॉटन इंडस्ट्रीज में है, इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए है। काफी बेहतरीन कपड़े तैयार होते हैं, इंडिया के कपड़ों की डिमांड तो पूरे वर्ल्ड में है। एंशियंट टाइम में भी थी, मिडिवल टाइम में भी थी और अब भी है। ओके, और लेबर इंटेंसिव वर्क है कॉटन इंडस्ट्री के लिए या धागा उद्योग के लिए। ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, जहां सूखा मौसम हो वहां पर धागे तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे में शुरू की थी 1854 में। ओके, और एट प्रेजेंट कॉटन मिल हमारी 2010-11 के लगभग 1600 थी। अभी जो नेक्स्ट 10 ईयर हुए हैं उसमें ये काफी बढ़ गया है प्रोडक्शन, ये मान के चलो कि कम से कम 1700 कॉटन मिल होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ओके, अब उसके बाद देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फाइबर हमारी इंडिया में पावर लूम प्रोडक्शन 84% है, जो बिजली की मशीनों से कपड़े तैयार किए जाते हैं पावर लूम्स, और 11% के लगभग यहां पर हैंडलूम प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, और बाकी फिर अदर प्रोडक्ट है, वुलन क्लॉथ वगैरह सब आ गए उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कॉटन इंडस्ट्री सेक्टर। इसमें कॉटन इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि जब सही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती तो दिक्कत होती है। एक सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन भी कॉटन इंडस्ट्री का एक नया चैलेंज है। ब्रिटिश टाइम में ओल्ड मशीनें यहां लगाई गई थी, आज भी वो ओल्ड मशीनें बहुत सारी कॉटन फैक्ट्री में काम करती है, तो प्रोडक्शन लेवल डाउन है। पहली प्रॉब्लम कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, दूसरी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, और तीसरी प्रॉब्लम ओल्ड मशीन्स, लोअर लेवल प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम है कॉटन इंडस्ट्री के साथ में, फिर भी रन कर रही है, काफी बढ़िया काम कर रही है। ओके, अब बात करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल का ही पार्ट है। जूट इंडस्ट्री पहली बार 1855 में या 1859 में शुरू हुई है। ठीक है, ओके, 1947 में इंडिया पाकिस्तान बनने की वजह से इंडिया सेकेंड नंबर पर आ चुका है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। जूट प्रोडक्शन जो होता है जिसमें गनी बैग, रोप्स वगैरह बनती है, काफी लेवल पे हम इसको यूज करते हैं। जूट मिल ज्यादातर वेस्ट बंगाल में लगी हुई है, बिहार, उड़ीसा में लगी हुई है, क्योंकि नजदीक लेबर बहुत सस्ती है और ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी काफी बढ़िया है, और वेस्ट बंगाल, बिहार वैसे भी एक अर्बन एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया बहुत काफी बढ़िया और अर्बन एरिया है, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस वगैरह बाकी चीजों के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। ओके, फिर बात आती है जूट प्रोडक्शन एरिया। हमारे इंडिया में हुगली रिवर बेल्ट है जहां पर बहुत सारा जूट प्रोडक्शन किया जाता है। 98 किलोमीटर की लॉन्ग बेल्ट है और 3 किलोमीटर की वाइड रेंज में चौड़ाई में एक पूरी हुगली बेल्ट बनी हुई है, जिसको हुगली जूट बेल्ट हम बोलते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया लेवल प्रोडक्शन होता है। इसकी भी अपनी प्रॉब्लम है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, मतलब कि ये मान के चलो कि यहां भी सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन है, इरेक्टिव वाटर सप्लाई एंड अदर मेनी मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है,
बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि जूट इंडस्ट्री को आजकल फेस करनी पड़ रही है। ओके, तो आज का ये टॉपिक टेक्सटाइल का इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुगर इंडस्ट्रीज होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।